आज की अपडेट बहुत सारी आई है एयरलाइंस के रिगार्डिंग कि बहुत सारी एयरलाइंस ने एडिशनल फ्लाइटें स्टार्ट कर दी है और बहुत सारी एयरलाइंस ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है। तो कौन कौन सी कंट्री के लिए एडिशनल बुकिंग हुई है तो उसके बारे में आज आपको बताएगी, और साथ में बताएगी कि जो एडिशनल फ्लाइटें ऐड हुई है तो वो किस किस कंट्री में जाएगी, और साथ में आपको बताएगी कि जो लोग इंडिया आना चाहते हैं वो क्वारंटीन की क्या सिचुएशन हो गया, क्योंकि बहुत सारी सिटीज में स्टार्ट हो गया कि आप सेल्फ क्वारंटीन हो जाओगे, ठीक है, घर जाके आपको वहां पे होटल में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी आज आपको बताएगी, बहुत अच्छी अपडेट आ गई है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आया जस्सी पंजाबी के चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ऑलवेज शेयर करता रहूं, और फुल वीडियो देखो और एंजॉय करो। सत श्री अकाल वड्या नु पैरी पोना ते छोटिया नु मेरा प्यार। आज दी अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पर्सन इंडिया आना चाहते हैं और इंडिया से जाना चाहती है, तो उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उनके लिए बताए तो बहुत सारी एडिशनल फ्लाइटें ऐड कर दी है। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा के लिए, क्योंकि कनाडा के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है फ्लाइटों के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारी एडिशनल फ्लाइटें ऐड कर दी गई है। जैसे एयर कनाडा 18 को अपनी बुकिंग स्टार्ट कर रहा है, जिसने एयर कनाडा की फ्लाइट लेनी है तो आप 18 से अपनी बुकिंग ले सकते हो, ठीक है, 18 अगस्त से अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दी है उसने। और दूसरा बात करेंगे लुफ्तांसा एयरलाइंस की बात करें, डेल्टा एयरलाइंस की बात करें, या अमेरिकन एयरलाइंस की बात करें, और फ्रांस एयरलाइंस की बात करें, और एडिशनल फ्लाइटें इसकी जो वंदे भारत मिशन के थ्रू, बाय बबल्स के थ्रू, एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑलरेडी चल रही है, तो बहुत सारी कनाडा के लिए फ्लाइटें ऑलरेडी ऐड हो गई है, ठीक है, वो मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, अमृतसर की बात करें, बहुत सारी दिल्ली की फ्लाइटें अब जा रही है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आपको बताऊंगा टूरिस्ट वीजा के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए कंफ्यूजन हो रखी है कि वो जा सकता है या नहीं जा सकता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टूरिस्ट वीजा के लिए इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने अप्रूवल कर दिया है कि आप जा सकते हो, आप एयरलाइन से बात कर लो, एयरलाइंस आपको परमिशन देती है तो हम आपको इंडिया से नहीं रोकेंगे। जो कैनेडियन सिटीजनशिप भी होगा या कोई भी पर्सन होगा वो इंडिया आ सकता है, उन्होंने वो परमिशन दे दी और जाने के लिए भी बोल दिया कि वहां की गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देती है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या 31st तक बोला हुआ है कि टूरिस्ट वालों के लिए आप थोड़ा सा रुक जाओ, बाकी आपका कोई रिलेटिव रहता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके फादर को आप बुलाना चाहते हो, या अपने कजन को, या अपने ब्रदर को बुलाना चाहते हो, ना ब्लड रिलेशन आपकी फैमिली में आ जाते हैं तो आप उनको बुला सकते हो। उसके लिए आपको क्या, बहुत सारे पर्सन यही कर रहे हैं कि कनाडा से अप्रूवल लेटर ले रहे हैं, परमिशन लेटर ले रहे हैं, वो मेल कर रहे हैं, तो मेल करने के बाद वो टिकट करा रहे हैं और आपको एम्बेसी में दिखाना पड़ेगा, तो वो दिखाने के बाद आप कनाडा जा सकते हो अभी के लिए, बाकी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या, अभी क्या फ्लाइटें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आ रही है कनाडा की, और दूसरा क्या, आप घूमने जाना चाहते हो तो आपको 14 डेज आइसोलेशन भी होना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे दुबई ने स्टार्ट कर दिया कि आइसोलेशन उसने खत्म कर दिया, तो देन उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से अप्लाई कर देना, क्योंकि वीजा तो आपके पास ऑलरेडी है, वीजा तो ये तो है नहीं कि आपका खत्म होने वाला, क्योंकि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये आपको 10-10 साल के वीजे देते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा आप जा सकते हो। और बाकी मैं स्टूडेंट की बता दूं कि स्टूडेंट के पास, जिनके पास ऑनलाइन स्टडी चल रही है, जिनके पास मार्च से पहले वीजे आ रखे हैं, वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करते रहे, जब उनको परमिशन मिल जाएगी तो डेफिनेटली वो जाके अपनी स्टडी ऑफलाइन वहां पे कर सकते हैं, उनके लिए भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 15 अगस्त हो गए, तो 15 डेज बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बाकी एडिशनल फ्लाइटें तो ऐड हो ही गई है, अब नॉर्मल फ्लाइटें बाय बबल्स के थ्रू इतनी सारी कंट्रीज चला रही है, ठीक, आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आपको नॉर्मल फ्लाइटें भी मिल जाए देखने के लिए, ठीक है, कनाडा के लिए। और नेक्स्ट बात करेंगे कुवैत के लिए, कुवैत के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आ गई थी, जैसे उन्होंने बैन लगा रखा था एशिया की बहुत सारी कंट्रियों के लिए, कोई पर्सन इंडिया आ नहीं सकता था और कोई जा नहीं सकता था, बिल्कुल उन्होंने बैन अब हटा दिया इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जी, कोई आपका पर्सन इंडिया आना चाहता है तो उन्होंने कह दिया है कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटें आप ले आइए, और यहाँ के आपके जो भी सिटीजनशिप है, ठीक है, जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला है कुवैत का, या जो इंडिया आना चाहते हैं तो बिल्कुल वो जा सकते हैं, उनके लिए आपको एयर इंडिया की साइड में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा या एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइड में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और साथ में बहरीन के लिए भी बता दो, बहुत सारी एडिशनल फ्लाइटें ऐड कर दिए, तो आप बहरीन में रह रहे हो तो आपको इंडिया आना है तो आप आ सकते हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट में जाओ और बाकी ट्विटर अकाउंट उनका फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी किस किस डेट में बहरीन के लिए फ्लाइट आ रही है, ठीक है। और जिन्होंने कुवैत जाना है तो उनके लिए भी मैं बताता हूं, आपका कोई वहां पे ब्लड रिलेशन वाला रहता है, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड तक भी रहता है,
तो आप वहां पे उसको बोल दो, वो वहां से परमिशन लेटर ले लेगा आपके लिए, तो आप फ्लाइट लेके जा सकते हो। ये भी उन्होंने परमिशन देना स्टार्ट कर दी है। और नेक्स्ट बात करेंगे दुबई के लिए। दुबई के लिए बेसिकली आइसोलेशन खत्म कर दिया, आइसोलेशन नहीं होना पड़ेगा। और बाकी फ्लाइटों की बात करें तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा फ्लाइटें आपकी दुबई के लिए चल रही है। अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हो कि आप देख लो कि एमिरेट्स की फ्लाइट आपकी कंट्री से जा रही है, तो डेफिनेटली आप वो बुक करा लो, तो वाया आप इंडिया आ सकते हो। तो आपको फ्लाइट की बुकिंग नहीं मिल पा रही है किसी भी कंट्री की, क्योंकि 70+ कंट्रीज के लिए दुबई ने अपनी नॉर्मल फ्लाइटें स्टार्ट कर दिया। तो एमिरेट्स की बहुत सारी एडिशनल फ्लाइटें जा रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसका फेयर भी बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, जैसे पहले इसका फेयर था, ठीक है, तो वैसे ही वो नॉर्मल फेयर वो दे रही है। कोई एक्सपेंसिव, कोई ज्यादा पैसे नहीं ले रही है वंदे भारत मिशन में। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोप की 26 कंट्री के लिए। इसके लिए भी बहुत सारी एडिशनल फ्लाइटें ऐड हो गई है। पहले क्या थी, एयर फ्रांस और एयर इंडिया एक्सप्रेस और लुफ्तांसा एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब एडिशनल फ्लाइटें ऐड हो गई है एमिरेट्स की, डेल्टा एयरलाइंस की, अमेरिकन एयरलाइंस की और ब्रिटिश एयरलाइंस की। तो ये सारी फ्लाइटें ऐड हो गई है, ठीक है, जिनको 26 कंट्रीज में कोई भी फ्लाइटें नहीं मिल पा रही है, बुकिंग नहीं मिल पा रही है। तो आपके एडिशनल ये सारी एयरलाइंस के बारे में भी आप देख लो कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली बुकिंग मिल जाएगी, आप इंडिया आ सकते हो और इंडिया से जाना चाहे तो जा सकते हो, बट फेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा आपको भी। और बाकी आप थोड़ा सा वेट कर लोगे, 15 डेज वेट कर लोगे, तो डेफिनेटली फेयर आपको काफी चीपेस्ट मिलेगा अभी के मुकाबले। तो ये चीज तो कंफर्म है, क्योंकि बहुत सारी एडिशनल एयरलाइंस और साथ में बाय बबल्स का कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो होना है या ऑलरेडी बात चल रही है, तो आने वाले टाइम पे आपको दिख जाएगा कि नॉर्मल फ्लाइटें जैसे ऑपरेट होती थी वैसी होगी, लेकिन अभी चलेगी बाय बबल्स के थ्रू। और नेक्स्ट बात करेंगे यूके के लिए। यूके के लिए भी बहुत सारी एडिशनल फ्लाइटें ऐड हो गई है, ठीक है, जैसे बात करें एयर इंडिया की, एयर इंडिया एक्सप्रेस की, इंडिगो की बात करें, और प्लस बात करें लुफ्तांसा एयरलाइंस की, फ्रांस एयरलाइंस की, डेल्टा एयरलाइंस की, अमेरिकन एयरलाइंस की और कनाडा एयरलाइंस की, और साथ में ब्रिटिश एयरलाइंस उनकी अवेलेबल है, 18 से उसकी बुकिंग स्टार्ट है। तो इतनी एडिशनल फ्लाइटें इनकी ऐड हो गई है, साथ में एमिरेट्स की फ्लाइट का ऑप्शन भी देख लेना, उसका भी फेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत सारी एयरलाइंस ने क्या अलग अलग सिटीज में इंडिया में स्टार्ट कर दिया उसकी बुकिंग, जैसे अमृतसर की बात करें, बेंगलोर की बात करें, कोची, चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बहुत सारी सिटीज के लिए स्टार्ट कर दी है बुकिंग। या आप यूके जाने का प्लान कर रहे हैं या यूके से आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारी चॉइस है, और इसका फेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पहले के मुकाबले, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उससे नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है दुबई के बाद, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एयरलाइंस की बहुत सारी एडिशनल फ्लाइटें जा रही है, लुफ्तांसा जा रही है, एयर फ्रांस जा रही है और एयर इंडिया जा रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस जा रही है। तो बहुत सारी अमेरिका के लिए फ्लाइटें हैं, कुछ डायरेक्ट फ्लाइटें हैं और कुछ वाया फ्लाइटें हैं। तो आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो अमेरिका से आना चाहते हैं, तो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू और या आप एयर इंडिया की वेबसाइट के थ्रू आप अपनी बुकिंग करा सकते हो, और बाकी इसका फेयर भी बहुत ज्यादा चीपेस्ट है देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे कि लिमिटेड फ्लाइटें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस चला रहा है, जैसे बात करें वो, लेकिन लिमिटेड फ्लाइट इस मंथ में काफी कम फ्लाइट है, बट आने वाले टाइम पे आपको जैसे ही हमारा बाय बबल्स के थ्रू उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या दोनों कनेक्टिविटी फ्लाइट मिल जाएगी, उस कंट्री की एयरलाइंस के साथ भी हमारा टाइप हो जाएगा, तो वो एयरलाइंस भी मिलेगी, और एडिशनल जैसे दूसरी एयरलाइंस है वाया वो भी आपको मिल जाएगी, और बाकी इंडियन एयरलाइंस तो आपको मिलेगी मिलेगी बहुत सारी। तो मैं आपको कंट्री का नाम बताता हूँ, जैसे सिंगापुर की बात करें, मलेशिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, बैंकॉक की बात करें, कंबोडिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, और प्लस कजाकिस्तान की बात करें, रशिया की बात करें, और अरब की बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारा एयर बबल्स का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो आने वाले टाइम पे इस कंट्रीज के लिए भी आपको बहुत सारी फ्लाइटें दिखेगी, और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी फ्लाइटें ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें डे बाय डे हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि इस कंट्री के लिए एडिशनल फ्लाइटें ऐड हो रही है, ठीक है, इस कंट्रीज के लिए नॉर्मल फ्लाइटें ऐड हो रही है, इस कंट्रीज के लिए ऑल कैटेगरी वीजा जा सकता है। तो ऑलमोस्ट ये चीज बहुत अच्छी है कि हमें आने वाले टाइम पे गुड न्यूज डे बाय डे मिलती जा रही है, अब फ्लाइटें बंद नहीं होने वाली है, अब फ्लाइटें एडिशनल स्टार्ट होती रहेगी, और आने वाले टाइम पे हमें नॉर्मल फ्लाइट देखने को भी मिलेगी। और नेक्स्ट बात करेंगे आइसोलेशन को लेके, जो इंडिया आना चाहते तो वो बार बार एक ही चीज पूछते हैं कि हमको होम क्वारंटीन चाहिए, तो होम क्वारंटीन हमें कैसे मिलेगा। इंडिया में जिस सिटीज में आपकी फ्लाइट जा रही है, तो उस सिटीज के बारे में आपको मैं बता देता हूं, आपके ऑनलाइन उसकी ऐप के बारे में डेफिनेटली थोड़ा सा रीड कर लो, ठीक है, कैसे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा,
और उसकी एयरपोर्ट की ऐप की अथॉरिटी में ऐप में जाके उसको डाउनलोड कर लो और उसको रजिस्टर्ड कर लो। 3 डेज पहले आने से पहले पूरी अपनी डिटेल डाल देना, जिसमें क्या हो सकता है आपको, आपका वैलिड रीजन है तो आपको क्या 14 डेज का सेल्फ क्वारंटीन मिल जाएगा। फिर आपको होटल में क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस ने कह दिया कि ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस सिटी से उतरते तो डेफिनेटली आपको 14 डेज का क्वारंटीन होम मिलेगा, ना कि आपको होटल में करना पड़ेगा 7 डेज का क्वारंटीन। तो ऐसी न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जस्सी पंजाबी आपके साथ ऑलवेज रेडी रहेगा। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर देना, तो हो सकता है मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर दूं। अभी के लिए इजाजत, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता रहेगा जस्सी पंजाबी। और जाते हुए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। सत श्री अकाल।